दिल्ली को ऐतिहासिक स्मारकों का, प्राचीन स्मारकों का शहर कहा जाता है। दिल्ली में ऐसे कई प्राचीन स्मारक हैं और कई ऐसे किले हैं जिन्हें देखने के लिए पर्यटक देश विदेश से दिल्ली आते हैं। ऐसा ही साउथ ईस्ट दिल्ली का तुगलकाबाद किला। इस किले को 1321 से 1325 के बीच बनवाया गया था और इसी किले के दूसरे हिस्से में तुगलक वंश की मजार भी है। यह किला तकरीबन 750 साल पुराना है और जहां अब इस किले को टूरिस्ट प्लेस के रूप में तब्दील कर दिया गया है, तो वहीं प्राचीन किले को देखने के लिए न केवल भारत से बल्कि दूसरे देशों से भी टूरिस्ट आते हैं और यहां पर आनंद लेते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जितना पुराना है ये उसके अकॉर्डिंग तो अभी बहुत अच्छा है। बेशक अंदर जो जगह है वो थोड़ी सी टूट टूट गई है क्योंकि ये लोग मेंटेन नहीं करते। टिकट तो ले रहे हैं ये लोग 25 रुपीज का ले रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके अकॉर्डिंग इन्होंने मेंटेन नहीं कर रखा। अंदर कुछ भी व्यवस्था नहीं है, ना खाने के सामान लेके जा सकते हैं, ना पीने के लिए है, ना वॉशरूम वगैरह है। तो ये यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट है। अगर प्लस पॉइंट देखा जाए तो बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे फोटो वगैरह शूट कर सकते हैं, व्यू अच्छी है। एक्चुअली मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मैं मतलब रेयरली ऐसे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में घूमने जाती हूँ। मतलब ये यूँ समझ लीजिए कि शायद मैं पहली बार ही आई होंगी, कुछ ऐसा ही था। बट यहाँ पे घूमना बहुत अच्छा रहा मेरे लिए। मैंने जितना भी टाइम यहाँ पे दिया वो मतलब वर्थ इट था मेरे लिए। तो बस एज बीइंग ये टिकट हमसे ले रहे हैं तो इन्हें जो फैसिलिटीज़ देनी चाहिए वो ये चीज़ अगर थोड़ी सी सुधार लेंगे तो ये बेस्ट प्लेस है घूमने के लिए इंसान के लिए। और अगर मौसम अगर हम देख कर आते तो शायद हमारा एक्सपीरियंस और ज़्यादा अच्छा होता। यहाँ पे बेसिकली हम उधर साइड गुंबद में गए थे तो वहाँ पे जो कब्र बनी हुई है उन लोगों की कब्र देखी, और यहाँ पे जो कुछ अच्छे व्यू पॉइंट्स है जहाँ पे थोड़ा हम कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें शूट भी कर सकते थे वो बेसिकली वो पॉइंट्स ज़्यादा कवर कर पाए हम लोग। बट गर्मी ज़्यादा थी तो कुछ खास ज़्यादा नहीं कवर करा, जो भी था थोड़ा बहुत ही देखा। देखा था एक अंदर वो कब्र बनी हुई है जिसमें उनके माता का, पिता का और कुत्ते बिल्ली की कब्र है। प्लस में यहाँ पे अगर हम वहाँ पे आगे जानकारी किले के अंदर गए लेने जानकारी तो वहाँ पे भी हमने पूछा उन्हें कुछ हमें इसके बारे में बताओ, तो उन्होंने चार्ज मांग रहे थे हमसे एक्स्ट्रा में 200 रुपये चार्ज दो तब हम बताएंगे उसके बारे में। बहुत अच्छा लगा और यहाँ की जो ये इमारतें हैं वो भी बहुत अच्छी लगी। वैसे तो ये पुरानी हो चुकी है काफ़ी, टूटने लगी है, गिरने लगी है थोड़ा थोड़ा। और इधर की साइड में जो ये गुंबद सा बना है वो भी, और जो वो क्या कहते हैं उनकी कब्र जो बनी है, तीन लगातार बनी है वो भी। बट इतना नॉलेज नहीं है कि वो किस किस की बनी है। कि यहाँ की सर्विस इतनी अच्छी नहीं है, जैसे कि टिकट लेते हैं तो ना यहाँ पे वॉशरूम की सुविधा है ना पानी का है कुछ, तो ये बहुत गलत है। क्योंकि जब टिकट ले रहे हो तो मतलब उस चीज़ की सुविधा तो दो, पानी और वॉशरूम वगैरह तो ये तो होना ही चाहिए। मज़ा तो बहुत आया यहाँ पे। पीक पॉइंट्स में सबसे मस्ट विजिट पॉइंट है, पीक पॉइंट है जहाँ पे विजिट आप जरूर कर सकते हो, बहुत अच्छा है। वहाँ से पूरा लोगे व्यू, काफ़ी एरिया इसका बड़ा है लेकिन काफ़ी अच्छा लगेगा आप लोग को भी आकर के। मैं तो अप्रोक्सीमेट आई थी 12 o'clock के करीब, तो इसमें आप अगर आओगे फ्रेंड्स लोग के साथ मस्ती करते करते 3 से 4 घंटे का टाइम आपका लगेगा, जो काफ़ी सही है। आप खास तो कुछ नहीं, फोटो शूट्स वगैरह बहुत अच्छे हैं, रील्स के लिए अच्छा पॉइंट है। एज यूजल आप लोग जानते हो कि रील्स का आजकल है ज़माना, तो रील्स अच्छे से बना सकते हो, फ्रेंड्स लोग जो है फोटोशूट वगैरह कर सकते हैं, तो मस्ट विजिट पॉइंट है। राजधानी दिल्ली स्मारकों का शहर कहा जाता है। हम आपको बता दें राजधानी दिल्ली में कई ऐसे स्मारक है जहां पर टूरिस्ट घूमने के लिए पहुंचते हैं, इसलिए इसे स्मारकों के तौर पर भी जाना जाता है। आज हम इसी कड़ी में तुगलकाबाद किले पर पहुंचे हैं जिसका निर्माण जो है 1321 से 1325 ईस्वी के बीच में किया गया था और तुगलक वंश के द्वारा किया गया था। जहाँ की हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, आप देख सकते हैं यह तुगलकाबाद का वही किला है जहाँ तुगलक वंश के द्वारा जिसे स्थापित किया गया था, आज इसका निर्माण करवाया गया था। हालांकि आज के दौर में यहां पर टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया है और हजारों श्रद्धालु रोज़ाना यहां पर इस टूरिस्ट प्लेस का आनंद लेने के लिए पहुंचते हैं और इस पुराने किले को देखने के लिए पहुंचते हैं। हालांकि अंदर से इस पुराने किले का कुछ ढांचा ढह भी गया है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर यह टूरिस्टों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। क्योंकि MB रोड पर अगर हम कहें तो इसके जो प्राइम लोकेशन है वह MB रोड पर है, और MB रोड पर होने की वजह से यहाँ पर जो टूरिस्ट ज़्यादा पहुँचते हैं और जो है कि यहाँ पर इस किले को देखने के लिए पहुँचते हैं और किले का पूरा देख करके यहाँ पर जो है कि वो आनंद लेते हैं। और हालांकि किले का जो अगर हम बात करें टिकट की तो 25 रुपया प्रति व्यक्ति यहाँ पर किले का टिकट लगता है, और इस किले के दो पार्ट में डिवाइडेशन किया गया है। एक जो है कि वो पूरे
पुराने किले की तरफ चला जाता है, तो दूसरा यहाँ पर एक गुंबद भी बना हुआ है जहाँ पर तुगलक वंश के द्वारा जो है या इसका निर्माण कराया गया था, और वहीं पर जो है उनका स्मारक भी स्थापित किया गया है इस गुंबद के अंदर। और गुंबद के अंदर जो है कि जो इन लोगों का स्मारक स्थापित है उसको भी देखने के लिए टूरिस्ट पहुँचते हैं, और जो टूरिस्ट है उन्हें काफ़ी आनंद आता है यहाँ पर, क्योंकि वे बताते हैं कि यहाँ पर जो है कि अगर रील्स बनाने के लिए आज के दौर में इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाने के लिए लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, और जो है कि उस हिसाब से देखा जाए तो यह बहुत ही सुंदर सा जगह है जहाँ पर टूरिस्ट पहुँचते हैं और इसका आनंद लेते हैं। हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं यह तुगलकाबाद किले की है। हरिकिशोर शाह, जी मीडिया, दिल्ली।